दोस्तों आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल का छोटा सा परिचय आपको बताने वाले हैं। बाइबल क्या है? बाइबल वह पुस्तक है जिसे प्रारंभिक मसीही अपने आराधना सभा में उपयोग में लाते थे। उसे यूनानी भाषा बोलने वाले मसीही बिब्लिया कहते थे। अंग्रेजी भाषा में कहा जाने वाला शब्द बाइबल उपरोक्त शब्द का रूपांतर है। इस शब्द का उपयोग परमेश्वर के वचन के अनोखेपन को दर्शाता है। बाइबल 66 पुस्तकों का एक संग्राम है जिसे 1600 वर्ष के लंबे अंतराल में 40 अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया है। बाइबल धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उसमें मानव जाति के लिए परमेश्वर के संवाद का संचय है। बाइबल धर्मशास्त्र अपने आप में परमेश्वर के साथ हमारे संबंध और मसीही जीवन के प्रति अधिकार रखता है। 66 पुस्तकों का यह संग्राम दो भागों में पाया जाता है, पुराना नियम नया नियम। पुराने और नए नियम को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, ऐतिहासिक पुस्तकें, शिक्षामय पुस्तकें, भविष्यवाणी की पुस्तकें। बाइबल का लेखन किस प्रकार हुआ? बाइबल की उत्पत्ति अपने आप में अद्वितीय है। राजाओं, अधिकारियों, ज्ञानियों, कवियों, चरवाहों और मछुआरों से सम्मिलित बाइबल की रचना 40 लेखकों द्वारा की गई है। इन लेखकों ने विभिन्न स्थानों से अपनी पुस्तकों को लिखा है, बंदीगृह, राजमहल तथा यात्रा के दौरान। ये लेखक 3 विभिन्न महाद्वीपों, अफ्रीका, एशिया और यूरोप तथा समाज के विभिन्न वर्गों के वासी हैं। यद्यपि बाइबल को प्रारंभ में 3 विभिन्न भाषाओं में लिखा गया था, फिर भी बाइबल में एक विचित्र एकता पाई जाती है। यह एक सर्वमान्य विशेषता है कि बाइबल का लेखन मनुष्यों द्वारा पवित्र आत्मा के निर्देश में किया गया है। परमेश्वर की प्रेरणा के अधीन होते हुए भी लेखकों के व्यक्तित्व को दबाया नहीं गया है। अतः बाइबल परमेश्वर का त्रुटिहीन संपूर्ण संवाद है। संपूर्ण पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है, केवल कुछ भाग एज्रा, यर्मिया और दानियल कसदियों की भाषा में लिखे गए हैं। नया नियम ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा गया है। बाइबल का अनुवाद संसार की 1600 से भी अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। भारत में ईसाइयत का आगमन यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक थॉमस द्वारा अरब की खाड़ी पार कर भारत में आने के साथ ही शुरू हो गया था। 52 ईस्वी में केरल के क्रांगानोर नामक जगह पर पहुँचे, जहाँ से उन्होंने भारत के तटीय इलाकों में सुसमाचार प्रचार किया। बाइबल का प्रत्येक वचन, प्रत्येक अक्षर और यहाँ तक कि विराम चिन्ह भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे व्यक्त होने वाली हर बात अवश्य ही पूर्ण होगी। मत्ती 5:18, यूहन्ना 10:35। इस कारण यह अवश्य है कि हम बाइबल का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और इसकी शिक्षाओं का जीवन में अनुपालन करें। आमीन।